वहाँ का भाव बहुत ज्यादा है, अगर मैं वहाँ गया तो सियाद ही ले जाएगा मुझे, इसलिए मुझे माफी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए लेकर आए हैं एक और व्लॉग वीडियो, तो वीडियो आखिर तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हमारा इरादा है फ्यूचर में बहुत सारे व्लॉग वीडियो लेकर आने की, तो बहुत सी नई जगहों पर जाने वाले हैं हम लोग, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती है। तो अभी लेट हो रहा है और हम लोग निकलने वाले हैं, तो वो हम आपको वहीं पे जाके बोलेंगे कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं। तो आई एम लीविंग नाउ, स्टे विद अस, आई होप इट विल बी फन फॉर द डे। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो मेरे साथ होंगे मेरे दोस्त लोग हमेशा की तरह। तो अभी ऑलमोस्ट एक घंटे का सफ़र बाकी है, सो आई विल मीट यू देयर, स्टे विद अस। तो दोस्तों, एज यू कैन सी, कितना हसीन नज़ारा है यहाँ का, हर जगह आपको पत्थर ही पत्थर दिख रहे होंगे। तो ये इलाका जो है जंगली इलाका है, और हर तरफ आपको जंगली जंगल दिख रहे होंगे, और यहाँ बहुत सी बस्तियाँ भी आबाद हैं, और विंटर्स में इस इलाके का मौसम बिल्कुल अलग रहता है, बहुत सर्दी पड़ती है इस इलाके में विंटर्स में, तो फिर लोगों का आना जाना अक्सर फिर कम ही रहता है। तो बात की जाए रोड की, तो रोड अच्छी है, थोड़ी खरी है और चौड़ी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दो गाड़ियाँ आसानी से पास हो जाती हैं। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे। तो हम पहुंच चुके हैं इस जगह पर, तो बाइक वगैरह हमने अपनी साइड पे पार्क कर रखी है, तो हमें ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, यहीं तक जाना है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको वहीं पे। ये है इस जगह का बेस्ट पार्ट, ये खूबसूरती देख रहे होंगे आप, ये सड़क दिख रही होगी आपको, तो ये सड़क इन पहाड़ों से होकर दूसरी बस्ती तक जाती है। तो चलते चलते बात कर लेते हैं जगह के बारे में। तो इस जगह का नाम है छत्तावाल। तो ऐसा यहाँ पे ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं बस यही सब देखने। इसी जगह का ये नज़ारा देखने आते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग हर साल। तो देख सकते हो आप यहाँ, ये लाखों टन वजनी पत्थर हर जगह बिखरे पड़े हैं, तो ये पत्थर यहाँ बाढ़ की वजह से हैं, तो आप सब सोच ही सकते हो कितनी भयानक बाढ़ रही होगी वो, जो इन पत्थरों को यहाँ तक ले आई है। तो जितनी हसीन ये जगह दिख रही होगी आप लोगों को, ये उससे भी कहीं खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के मौसम का
कोई भरोसा नहीं है। सुनने में आया है कि यहाँ का मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है, कब सैलाब आ जाए कुछ पता नहीं चलता। आई होप वेदर विल रिमेन प्लीजेंट। तो पानी देख के मुझे नहाने का मन कर रहा है, तो चलो नहा लेते हैं फिर। तो अब हम नहाते हैं, मुझसे और नहीं सैर कर रहा, तो चलो देखते हैं। बहाव बहुत ज्यादा है लेकिन चलेगा फिर भी। मैं तो इरादा घर से ही करके आया था नहाने का, इसलिए मैं चप्पल पहन के आया हूँ। तो इस जगह की अपनी ही एक खूबसूरती है, और सबसे खूबसूरत है यहाँ का पानी, बिल्कुल ठंडा कूल। पानी बहुत ज्यादा है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि इंसान को बहा ले जाए। लेकिन पानी के पास वाले पत्थरों के पास बहुत फिसलन है, इस चीज का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसी जगह पर नहाने का भी एक अलग ही मजा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी, द बेस्ट पार्ट एवर। सुनने में आया है कि इन पहाड़ों के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल झील है। हम वहाँ जाने का भी इरादा रखते हैं, इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे वहाँ और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, बहुत ही मज़ा आया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।